सो ये है इमली की चटनी, जो ये है मसाले, ये मैं इसके बारे में बाद में बताती हूँ। ऑब्वियसली नमक, ये है काला नमक। एक्चुअली नमक कम यूज होता है, मैं चाट के वक्त प्रेफरेबली काला नमक ज्यादा यूज करती हूँ। जीरा मसाला, कश्मीरी लाल मिर्च, और ये है चाट मसाला। आपको अगर ज्यादा तीखा पसंद है तो आप नॉर्मल लाल मिर्च पाउडर भी यूज कर सकते हैं। हमें नींबू लगेंगे, ये है अनार, ये है नायलॉन सेव, जो यूजुअली हमारे लिए हमारी चाट में यूज होता है, मतलब जो एकदम पतला वाला सेव होता है और इसमें कोई फ्लेवर नहीं होता। और ये मैंने निकाला है 3 टुकड़े लहसुन और 1 हरी मिर्च, ये हम हरी चटनी बनाने के वक्त यूज करेंगे। एंड ऑब्वियसली द हीरो ऑफ चाट, हरा धनिया एंड पुदीना, इसकी भी हम चटनी बनाएंगे और हरा धनिया तो गार्निशिंग के लिए। सो ये आलू मैंने अच्छे से धो लिए हैं और अब इसे हम क्यूब्स में काट के वापस इसी पानी में डाल देंगे। सारे क्यूब्स कट गए हैं, ऑयल अच्छे से गर्म हो जाए उसके बाद इसमें हम डाल देंगे हमारे आलू फ्राई होने के लिए। ध्यान रखिएगा ऑयल गर्म होगा तो आपके ऊपर उड़े ना। ये मैंने डाल दिए अपने पोटैटोस। आलू अच्छे से फ्राई। ये हम तैयारी कर रहे हैं आलू टुक चाट की। इसका आलू टुक जो बनता है वो आप ऐसे भी सिर्फ चाय के साथ खा सकते हैं, बहुत यमी लगता है। ये हमने आलू को पील कर लिया। इसके बाद हम इसको या तो सिर्फ 2 हाफ में या 4 क्वार्टर्स में डिवाइड करके पानी में डाल देंगे, डिपेंडिंग अपॉन हाउ बिग योर आलू इज। एंड फिर जिस पानी में आपने इसे सोक किया हुआ है उसमें आप थोड़ा सा सॉल्ट डाल दोगे और बस ये रिमेनिंग आलू भी मैं काट के इसमें डाल दूंगी। ऑयल हो गए एकदम अच्छे से गरम। अभी हमने क्या करना है, करीब 10 मिनट मैंने इसे भिगोए रखा है। अब आलू हमें निकालने हैं, इनका पानी अच्छे से डैप कर लेना है और फिर हमें फ्राई करना है। एकदम मज़ेदार से देखिए हल्के गोल्डनिश ब्राउन हो गए हैं। इस वक्त हम इसे निकाल लेंगे टिश्यू पेपर पे, अच्छी तरह से इसका ऑयल जो है हम सोक कर लेंगे और इसके बाद क्या करेंगे चलिए मैं बताती हूँ आपको। यस, ये देखिए इस तरह से हमें हर आलू के पीस को मैश करना है। ये हमने आलू लिया और किसी भी चीज़ से आप उसे हल्का सा दबाइएगा, ज़्यादा प्रेशर से नहीं, तो वो इस तरह से थोड़ा सा मैश हो जाएगा, पूरा मत कीजिएगा बस हल्का सा, ये देखिए। और फिर ये सब इस तरीके से रेडी कर लेने के बाद इसे हम डबल फ्राई करेंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे से क्रिस्प हो जाएगा और फिर हम इसकी चाट बना के सर्व करेंगे। ये देखिए अभी थोड़ा सा और फ्राई होना है, ये पूरी तरह से रेडी है। आपको डार्क ब्राउन कलर दिखाई दे रहा है, आलू डबल फ्राई हो गए, रेडी हो गए हैं, एकदम क्रिस्प से हैं। तो इसको भी अभी हम साइड में रख देते हैं और अभी हम थर्ड वाली जो चाट है यानी कि जिसकी हमें आलू टिक्की बनानी है, अभी हम पहले वो प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं। जब असेंबल करना होगा मैं तीनों एक साथ करूंगी और आपको दिखाऊंगी। तो चलिए अभी पहले सबसे पहले जो है हमने आलू बॉईल करके रखे हैं उसे मैश करते हैं। सबसे पहले आलू को मैश कर लेंगे अच्छी तरह से, उसके बाद हम इसमें डालेंगे सबसे पहले थोड़ा सा जीरा मसाला, उसके बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी लाल मिर्च। अगेन मैं कश्मीरी यूज़ कर रही हूँ, आपको ज़्यादा तीखा चाहिए तो आप नॉर्मल लाल मिर्च भी यूज़ कर सकते हो। फिर सॉल्ट नॉर्मल वाला, और ये मैं हरा धनिया काट के डाल रही थी तो हरा धनिया भी काट के मैंने डाला है। इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी मैं और उसके बाद मैं इसकी टिक्की बनाऊँगी, ये देखिए कुछ इस तरीके से। और इस टिक्की को हमें ऐसे पूरा कॉर्नफ्लावर में जो है डिप कर लेना है। ये देखिए ये मैंने टिक्की बनाई और ये ड्राई कॉर्नफ्लावर प्लेट में रखा हुआ है उसमें मैंने पूरा जो है डैप कर लिया, ये देखिए इस तरीके से। यस, ये हमारी टिक्की हो गई रेडी। अब हम इस टिक्की को जो है शैलो फ्राई करेंगे, डीप फ्राई नहीं, मतलब एक पैन में थोड़ा सा ऑयल लेके
इसको जो है हम शैलो फ्राई कर लेंगे। वाह, ये देखिए कितनी अमेजिंग क्रिस्प सी जो है हमारी टिक्की रेडी हो रही है। और ये चार टिक्की हमारी रेडी हो गई है। ये आलू टुक चाट के लिए आलू रेडी है। और ये फ्रीज़र से हमने आलू के जो क्यूब्स हैं वो निकाल लिए। अब इसको हम सेकंड फ्राई करेंगे। ये मैंने ऑयल भी गर्म कर लिया है, ये सेकंड फ्राई हो रहे हैं। सो चलिए इसमें मसाले डालते हैं। सबसे पहले जीरा मसाला, फिर इसमें डालेंगे हम चाट मसाला वो चटपटा फ्लेवर लाने के लिए, और फिर लाल मिर्च, एंड देन लास्ट में थोड़ा सा काला नमक यानी कि ब्लैक सॉल्ट। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, ये एक सिंधी डेलिकेसी है आलू टुक, जो ऐसे भी खाई जा सकती है। अच्छे से क्रिस्प फ्राई हो गए हैं, सो इसको हम निकाल लें। ओके, सो हमारे ये आलू भी देखिए सेकंड फ्राई के बाद एकदम अमेजिंग क्रिस्प रेडी हो गए हैं। वाओ, यम। अब कुछ नहीं, अब इन्हें असेंबल करना है। डन, चलिए अब जल्दी से असेंबलिंग शुरू करते हैं। तो ये मैं थोड़ा ठंडा होने देती हूँ। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आलू टिक्की से, आलू टिक्की, उसके बाद हम करते हैं आलू टुक चाट, और उसके बाद लास्ट में ये आलू पता नहीं, ये मेरी इनोवेशन है तो आप बताइएगा इसका नाम क्या रखूं। आलू इमली, क्विक सी हरी चटनी, जितना हरा धनिया है उसका 1/4 पोर्शन है, पुदीना, एक हरी मिर्च, 3 लहसुन के टुकड़े और थोड़ा सा काला नमक, और चर्न करने के बाद इसमें थोड़ा सा नींबू डालेंगे। उसका शॉट लेना मैं भूल गई हूँ, लेकिन आप ज़रूर डालिएगा एक थोड़ा सा। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी चाट, मैं हमेशा आपको बोलती हूँ दही डालने से पहले उसे फेंटना यानी कि विप करना बहुत ज़रूरी है, ताकि वो प्लेन हो जाए, वरना चाट बहुत अजीब सी लगेगी। शुरुआत में मैंने जो 3 मसाले बताए थे, जीरा मसाला, रेड चिली पाउडर एंड चाट मसाला, ये तीनों मैंने मिक्स करके रख लिया है ऊपर की गार्निशिंग के लिए। चलिए अब ये टिक्की से स्टार्ट करते हैं। ये हमने प्लेट में रखी, हल्का सा क्रैक किया इसको, इस पे हमने डाला अपना डिज़ायर्ड अमाउंट ऑफ दही। मुझे थिक पसंद है, आप चाहें तो पतला कर सकते हैं। इसके ऊपर थोड़ी सी हरी चटनी, फिर हम डालेंगे इमली की चटनी और जितनी आपको पसंद हो, मुझे ज़्यादा पसंद है। फिर हम थोड़ा सा मसाला स्प्रिंकल करेंगे, एंड देन थोड़ी सी अनियन चॉप्ड एकदम छोटे छोटे, अनार, उसके बाद हम डालेंगे हरा धनिया छोटा छोटा चॉप किया हुआ, और लास्ट में सेव, एंड आर आलू टिक्की चाट इज़ रेडी। अब नेक्स्ट हम कर रहे हैं आलू टुक चाट। ये हम एक बोल में अच्छे से हमारे आलू टुक के जो पीसेस हैं वो रख लेंगे। रियली सॉरी गाइज, फिर से गड़बड़ हो गई। दही और चटनी जब डाल रही थी तो प्ले बटन दबाना भूल गई। सो मैंने थोड़ा थोड़ा दही डाला है, इमली की चटनी डाली है, थोड़ी सी इमली की चटनी मैं और डालूंगी। इसके बाद हम इसमें डालेंगे हल्की सी हरी चटनी, उसके बाद अनार, उसके बाद थोड़ा सा सेव, हरा धनिया और प्याज, एंड ऊपर से थोड़ा सा मसाला, एंड हमारी आलू टुक चाट भी रेडी है। यम। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये सारे आलू के जो पीसेस हम एक बोल में ले लेंगे। इसमें आप अपने डिज़ायर्ड अमाउंट के हिसाब से इमली की चटनी पोर करेंगे। आप चाहो ज़्यादा तो ज़्यादा भी डाल सकते हो। इसमें मसाले का जो हमने मिक्सचर बना के रखा है वो थोड़ा ऊपर से डालेंगे, थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे, और इसे अब हम अच्छे से मिक्स करेंगे। यम। अगर आप चाहो तो ये देखो, ये बोल इतना डांस कर रहा था ना, मैं क्या बताऊँ आपको। खैर, अगर आप चाहो तो इमली की चटनी की क्वांटिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं, और इसे अब हम निकाल लेंगे एक बोल में, एंड हमारी आलू इमली चाट भी रेडी है। ये बहुत यम है, बहुत ही ज़्यादा।